हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं खरबूजे की आइसक्रीम। आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मैंने आधा खरबूजा लिया है, इसको हम काट लेंगे। अब इसको हम इस तरह काट के इसका छिलका निकाल लेंगे। हम सबसे पहले ये एक प्लेट ले लेंगे। हम खरबूजे को हम इसी में छील लेंगे। खरबूजे दो तरह के आते हैं, एक पीला और एक हरा। मेरे पास पीला नहीं है, हरा है, मैं हरे का बनाऊंगी। ये देखिए खरबूजे को हमने छील लिया है। अब छिलकों को हम हटा देंगे इसमें से। अब खरबूजे को हम छोटा छोटा काट लेंगे। खरबूजा काफ़ी मीठा है, इसकी आइसक्रीम काफ़ी टेस्टी लगेगी खाने में। अगर आप सबने इसकी आइसक्रीम नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से खरबूजा ले सकते हैं, आप जितना बनाना चाहें। ये देखिए खरबूजे को हमने काट लिया है। अब चलिए हम इसको ग्राइंड करते हैं। इसको हम साइड में रख देंगे। ये हमने एक जार ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें खरबूजे को डाल लेंगे। अब इसमें हम ये मलाई डाल देंगे। ये मैंने हाफ कप मलाई ली है, इसको हम डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम व्हिप क्रीम डाल देंगे। ये मैंने 1 कप व्हिप क्रीम ली है, इसको हम डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम मिल्क मेड डाल देंगे 1/2 कप के बराबर। और ये मैंने 1 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इसको हम डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा हनी डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अच्छे से ग्राइंड हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ। अब चलिए हम इसको आइसक्रीम मोड में डाल लेते हैं। इसको हम साइड में रख देंगे। ये हमने आइसक्रीम मोड लिया है, इसमें हम डाल लेंगे आइसक्रीम को। हमें ऊपर तक फ्लो करके नहीं भरना है, थोड़ा नीचे ही करके भरना है, नहीं तो आइसक्रीम जब बनती है तो ऊपर फ्लो होके आता है। सभी में हम डाल देंगे। आप सबको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर भी करिए। अगर रेसिपी पसंद आए कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे बनी है। अब इसमें हम स्टिक को लगा देंगे। अब आइसक्रीम को हम 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे या ओवरनाइट रख दें, अच्छे से जम जाएगा। और ये मैंने मटके ले रखे हैं, इसमें भी हम आइसक्रीम को डाल देंगे। आप इसमें एसेंस भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस, लेकिन एसेंस डालने से फिर खरबूजे का टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। अब इसको हम बंद कर देंगे। अब मटके को भी हम फ्रीज में रख देंगे 7-8 घंटे के लिए। अब जब आइसक्रीम अच्छे से जम जाएगी तब हम आपको निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए आइसक्रीम जमकर तैयार हो गई है, जो हमने मोल्ड में डाला था और ये जो हमने मटके में डाला था ये भी। अब मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। पहले हाथ से थोड़ा सा रब कर देंगे। ये देखिए खरबूजे की आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब इसको हम एक प्लेट में रख देंगे। दूसरा भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं। हाथ से पहले हल्का सा रब कर देंगे और इसको उल्टा करके तो आराम से निकालेंगे तो आराम से निकल आएगी। ये देखिए इसको भी हम प्लेट में रख देंगे। और ये जो हमने मटके में जमाई थी इसको भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से जम गई है, आप देख सकते हैं। आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी मटका आइसक्रीम और ये देखिए खरबूजे की आइसक्रीम बनके तैयार है। खाने में काफ़ी टेस्टी है, एक बार आप सब जरूर बना के ट्राई करें खरबूजे की आइसक्रीम। आप सबको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी बनी है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।